डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे राइट नोट ऑन पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर इन इंग्लिश इन साउथ अफ्रीका। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप लोगों के लिए। चलिए हम लोग शुरू करते हैं कि ये पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर कैसा रहा है जो कि इंग्लिश लिटरेचर को लेकर साउथ अफ्रीका में लिखा गया है। पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर इन इंग्लिश इन साउथ अफ्रीका जो है वो एक तरह से सिग्निफिकेंट बॉडी ऑफ वर्क की तरह इमर्ज हुआ है जो कि लेटर हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी आप देखेंगे, और ये कंटिन्यू करता है एक जीवंत और जिसको कह सकते हैं लाइव और ये इवॉल्विंग फील्ड ऑफ लिटरेरी एक्सप्रेशन कहा जा सकता है, यानी हमेशा ये बढ़ता ही रहा, इवॉल्व होता रहा। इट रिफ्लेक्ट्स द एक्सपीरियंसेस, स्ट्रगल्स एंड एस्पिरेशंस ऑफ साउथ अफ्रीकन्स इन द आफ्टरमाथ ऑफ कॉलोनाइजेशन इन अपार्थाइड। इसमें क्या देखेंगे आप, इसमें उन अनुभवों को देखेंगे, उन संघर्षों को देखेंगे, उनकी उन इच्छाओं को देखेंगे, एस्पिरेशंस जिसको कहते हैं साउथ अफ्रीकन्स में, जब कॉलोनाइजेशन और वहां पर नस्लीय भेद जिसको कहते हैं अपार्थाइड, जिसमें रंग भेद की नीति थी, उसके बाद के आफ्टरमाथ को यानी उसके बाद का जो परिणाम हुआ, ये सारी चीजें उन लिटरेचर्स में आपको दिखाई पड़ेंगे। ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड साउथ अफ्रीका वॉज प्राइमरली इन्फ्लुएंस्ड बाय ब्रिटिश एंड डच कॉलोनियल पावर्स। जब वहाँ पे कॉलोनियल पीरियड चल रहा था तो वहाँ पे डच और ब्रिटिश का जो उपनिवेशवाद था, जिसको कॉलोनी कहते हैं हम लोग इंग्लिश में, उनके पावर्स का बहुत ज़्यादा प्रभाव देखने को मिलता है, विच शेप द कल्चरल एंड सोशल लैंडस्केप ऑफ द कंट्री। वहाँ पर आप देखेंगे कि साहित्यिक रूप से बाद में असर पड़ा, पहले सांस्कृतिक और सामाजिक रूप से उस क्षेत्र पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा, उस देश पे बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा। द इफेक्ट ऑफ कॉलोनाइजेशन इंक्लूडिंग रेशियल सेग्रीगेशन, लैंड डिस्पोजेशन एंड सिस्टमेटिक ऑपरेशन बिकेम द फोकल पॉइंट्स ऑफ पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर इन साउथ अफ्रीका। तो इसका क्या असर और देखेंगे यहां पर, इंक्लूडिंग रेशियल सेग्रीगेशन, यहां पर जो नस्लीय भेद और जिनको दबाया गया, दबे कुचले लोगों को बहुत परेशान किया गया, वहां पे गोरे काले का भेद रहा, लैंड डिस्पोजिशन हुआ यानी कि जिनकी जमीनें थी उनकी हड़प ली गई, सिस्टमेटिक तरीके से उनके ऊपर दबाव डाला गया, उनको बहुत प्रभावित किया गया, उनको ऑप्रेस्ड किया गया, दबाया गया, ये फोकल पॉइंट्स बने पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर के, यानी जो भी लिटरेचर इस दौरान लिखे गए इनके थीमेटिक पॉइंट्स जिसको आप कह सकते हैं, ये सारी चीजें थी, रेशियल सेग्रीगेशन हो, लैंड डिस्पोजिशन हो या सिस्टमेटिक ऑपरेशन हो, ये सारे मेन पॉइंट्स बने। वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट ऑथर्स एसोसिएटेड विद पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर इन साउथ अफ्रीका इज नेडिन गार्डिमर। तो गार्डिमर ने क्या लिखा, उन्होंने लिखा जूलियस पीपल, बर्गर्स डॉटर, ये सारी किताबें जो लिखी हैं, एक्सप्लोर द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ रेशियल एंड पॉलिटिकल डायनेमिक्स ड्यूरिंग अपार्थाइड एंड इट्स आफ्टरमाथ। आप देखेंगे कि वहां जो जटिलताएं चल रही थी, चाहे वो राजनीतिक गतिविधि जो चल रही थी, उन सारी चीजों की बातें उसमें हैं, नस्लीय भेद, रंग भेद की नीति, इसको अपार्थाइड सिस्टम कहते हैं, उसके जितने भी परिणाम थे वो सारी चीजें इन वर्क्स में आपको दिखाई पड़ेंगे। गॉडिमेट्स राइटिंग डेल्व्स इनटू द पर्सनल एंड साइकोलॉजिकल डायमेंशंस ऑफ लिविंग इन अ डिवाइडेड सोसाइटी एंड हाईलाइट्स द चैलेंजेस फेस्ड बाय बोथ व्हाइट एंड ब्लैक साउथ अफ्रीकन्स। उनकी राइटिंग्स में क्या आप पाएंगे, वहां पर व्यक्तिगत और जिसको साइकोलॉजिकल कहते हैं, मानसिक तौर पे जो चीजें दिखाई पड़ रही थी, उन सारे डायमेंशंस को उसने टच किया है, और वहां जो डिवाइडेड सोसाइटी थी, समाज जो विभिन्न वर्गों में बढ़ चुका था, उसको हाईलाइट किया है, उस समय में चुनौतियां क्या क्या थी, ये सारी चीजें दिखाई पड़ती हैं जो दोनों के लिए थी, ब्लैक और व्हाइट दोनों साउथ अफ्रीकन्स के लिए, ठीक है, ये सारी चीजें आपको दिखाई पड़ेंगी। तो गॉडिमर ने अपने वर्क्स में इन सारे चीजों को इंक्लूड किया है। अनदर नोटेबल फिगर इज जे एम कोटजी, हु वोन द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर इन 2003। तो कोटजी के वर्क्स जो है, जिसमें से डिसग्रेस, वेटिंग फॉर द बारबेरियंस, ऑफर प्रोफाउंड इनसाइट इन द मॉरल एंड एथिकल डिलेमास ऑफ लिविंग इन पोस्ट अपार्थाइड साउथ अफ्रीका। यानी साउथ अफ्रीका में जब ये स्थिति बदली कुछ, अपार्थाइड सिस्टम खत्म होने को आया, तो उस समय के डिलेमास को, समय के उस कंफ्यूजन को और एथिकल और मॉरल चीजों को उन्होंने इसमें दिखाने की कोशिश की है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट राइटिंग्स हैं कोटजी के। हिज राइटिंग ऑफन कन्फ्रंट्स इश्यूज
of power, violence and legacy of colonialism. उनकी writings में क्या देखेंगे, उनके जो issues थे वो शक्ति, सत्ता, हिंसा और जो विरासत चली आ रही थी colonialism की, उन सारी चीजों को दिखाया गया है. Other notable authors in South African post-colonial literature include Bessie's Head, Mongen Wari Sirot and Jakes Meda. ये कुछ important writers हैं. Bessie Head's novel When Rain Clouds Gather examines theme of identity, exile and the challenges faced by refugees. इनके जो works हैं उसमें आप क्या देखेंगे, जो themes हैं उसमें पहचान की समस्या जो उन लोगों की थी, उनकी क्या पहचान है, कैसे उनको निकाल दिया गया था, एक्साइल की जिंदगी जी रहे थे, एंड चैलेंजेस जो चुनौतियां थी रिफ्यूजीज के जो प्रवासी लोग थे उनके लिए. मोंगेन वैली की जो पोइट्री है, पर्टिकुलरली जो कलेक्शन है याकल इन कोमो, कैप्चर्स द स्ट्रगल एंड रेजिलेंस ऑफ ब्लैक साउथ अफ्रीकन ड्यूरिंग द अपार्टाइड एरा. उस नस्लीय भेद के दौरान जो भी लोगों को स्ट्रगल करना पड़ रहा था, जो उनको बर्दाश्त करना पड़ रहा था ब्लैक पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका को, वो सारे चीज उनकी कविताओं में दिखाई पड़ता है, जो कि कलेक्शन है याखल इन कोमो. जेक्स मिडाज वर्क्स सच एज वेज ऑफ डाइंग एंड हार्ट ऑफ रेडनेस एक्सप्लोर द कॉम्प्लेक्स इंटरसेक्शन ऑफ हिस्ट्री, ट्रेडिशन एंड मॉडर्निटी. और जेक्स मिडाज के वर्क जो हैं उसमें वेज ऑफ डाइंग है, हार्ट ऑफ रेडनेस है, जो इसमें कॉम्प्लेक्स इंटरसेक्शन ऑफ हिस्ट्री मतलब किस तरह से जटिलता को दिखाया गया, कैसे कैसे बटा है इतिहास, कैसे इंटरसेक्ट किया गया उसको, कैसे ट्रेडिशंस थे, कैसे परंपराएं थी, कैसे मॉडर्निटी का आगमन हुआ है, इन सारी चीजों का आप एक कलेक्शन देखेंगे. साउथ अफ्रीकन पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर रिफ्लेक्ट्स द डाइवर्सिटी एंड मल्टीप्लिसिटी ऑफ वॉइसेस विद इन द कंट्री. आप यहाँ पे विभिन्नता भी देखेंगे और मल्टीप्लिसिटी का मतलब कि बहुत सारे चीजों का मिक्सचर भी आप देखेंगे. और ये जो वॉइसेज हैं यानी विभिन्न राइटर्स के जो वॉइसेज यानी उनके लेखन के द्वारा जो उनका कथन है, वो सारी चीजें आपको इनके लिटरेचर में रिफ्लेक्ट होती हुई दिखाई पड़ेंगी. इट एंगेजेस विद थीम्स ऑफ रेस, आइडेंटिटी, मेमोरी एंड सोशल इनजस्टिस. चूंकि उस समय की सबसे बड़ी समस्या जातिगत, नस्लीय पहचान और यादें और सोशल जस्टिस, सामाजिक जो न्याय मिलना चाहिए, इन सारी चीजों के ऊपर ही थी, इसलिए लिटरेचर भरा पड़ा है इन सारी चीजों से. सो दीज वर्क्स सर्व एज पावरफुल टूल्स फॉर अंडरस्टैंडिंग एंड चैलेंजिंग द लेगेसीज ऑफ कोलोनियलिज्म एंड अपार्थियड व्हाइल आल्सो इनविजनिंग अ मोर इंक्लूसिव इन जस्ट साउथ अफ्रीका. तो ये जो वर्क्स हैं ये बहुत ही पावरफुल, बहुत ही शक्तिशाली वो माध्यम है, टूल्स हैं समझने के लिए उन चुनौतियों को, वो जो लेगेसीज थे जो विरासत में मिले, उनके कॉलोनिज्म के प्रभाव थे, अपार्थियड सिस्टम के जो प्रभाव थे, उन सारी चीज़ों को आप यहाँ देख सकते हैं और इन्विजन कर सकते हैं, उनको समझ सकते हैं एक समावेशी तौर पर जो साउथ अफ्रीका में ही हो रहा था. और इन सारी चीज़ों का एक समग्र रूप, कंपाइलेशन ऑफ सच थिंग्स कैन बी सीन इन द लिटरेचर. तो आप इन सारी चीज़ों को वहाँ देख पाएंगे. सो डियर स्टूडेंट्स, दिस वे यू कैन अंडरस्टैंड the post-colonial literature in English in South Africa. So thanks a lot for watching the video. Keep watching, keep sharing and comment also. Thanks a lot again. Have a good day. Bye-bye.